Hi everyone, today's video is a DIY. So without any delay, let's start. तो ये मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है. इसकी लेंथ तकरीबन जो है 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा ही है, और ये जो है आई थिंक हाफ मीटर 50 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर शेप में है ये. तो इसको मैंने जो है 60-65 सेंटीमीटर की लेंथ में जो है कट कर लिया है, और इसको मैं बनाऊँगी मल्टी स्टोरेज बास्केट. बेसिकली एक्चुअली मैं इसको बना रही हूँ लॉन्ड्री बास्केट, लेकिन हम इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये फैब्रिक, ये कॉटन का फैब्रिक है. इसको चेक करके साइज़ इसकी कि कितना ये इसमें एडजस्ट होगा. जैसे पिलो का कवर होता है ना, हम उसमें पिलो के कवर को लगाते हैं, तो वैसे बिल्कुल टाइट इसको हम स्टिच कर लेंगे. और इसको पूरा कपड़े को, क्योंकि मैं जब पेस्ट करूँगी तो वो इतना मुझे ड्यूरेबल नहीं लग रहा था, तो मैं इसको स्टिच करके चढ़ाऊँगी, ये ईजिली बन जाएगा. तो इसको जो है चेक करके जो है मैं स्टिच कर दूंगी. ये बिल्कुल बराबर आ गया है कपड़ा, तो मुझे कुछ भी इसमें से कट करके निकालना नहीं पड़ रहा. अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो उसको साइड से कट करके निकाल देंगे. और ये ऊपर के साइड में जो है 1 इंच फोल्ड करके मैंने यहाँ पे भी एक सिलाई लगा ली है, ताकि इसको अंदर फोल्ड करेंगे तो वो थोड़ा फिनिशिंग अच्छी आए. अभी इसको मैं टर्न करके इस पर लगा के दिखाती हूँ. स्टिचिंग वाला जो पार्ट है उसको हम ऊपर की साइड में रखेंगे, और ओपन जो पार्ट है वो नीचे की साइड में रखेंगे. उसको फिर हम फेविकोल की हेल्प से जो है पेस्ट कर देंगे. और ये साइड वाली सिलाई जो है किसी एक कॉर्नर पे इस तरीके से करके फिक्स कर देंगे, ताकि वो सामने से कहीं बीच में ना दिखे. और जो ये ऊपर है मैंने इसको फोल्ड किया है, इसको फेविकोल की हेल्प से जो है हम पेस्ट कर देंगे. यू कैन सी ये बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गया है. अब इसके बैक साइड में जो है हम इसको फेविकोल की हेल्प से पूरा जो फैब्रिक बचा हुआ है और जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, ताकि कार्डबोर्ड बिल्कुल भी ना दिखे. गिफ्ट पैक जैसे करते हैं वैसे ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड करना है, और फिर इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है, और तकरीबन हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए. ड्राई करने के लिए छोड़ देना है इसको. उसके बाद हम इसमें अपना आगे का काम करेंगे डेकोरेशन का. तो मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ. ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बास्केट बनती है. ऐसा नहीं है कि हाँ बन गई तो काम में नहीं आएगी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है बनने के बाद. अब जो है मैंने रोप ली है, जूट की रोप ली है मैंने. अब इसको जो है हम बिल्कुल डाउन की तरफ से ऊपर की तरफ बॉर्डर बनाएंगे. मैं 3 इंच का बॉर्डर बना रही हूँ ऊपर की साइड में भी और डाउन के साइड में भी. बीच का स्पेस जो है वो मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही. तो इसको जो है रोप को ग्लू गन की हेल्प से जो है मैं फ़िक्स कर रही हूँ. बहुत फास्ट बन जाती है ये, तो यू कैन सी इट्स वेरी ईजी. अब बस इस तरीके से घुमाते हुए चले जाना है रोप को और फिक्स कर देना है. थोड़ी थोड़ी दूर पर डॉट्स लगा करके ग्लू गन की हेल्प से इसको हमको फिक्स कर देना है. बॉर्डर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. मैं 3 इंच का तकरीबन बना रही हूँ. जूट की रोप की जगह पे जो है हम प्लास्टिक रोप का भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया है. बॉर्डर के नीचे जो है मैं कुछ कर्वी लाइंस ड्रा करूँगी, और उसको भी जो है रोप की हेल्प से जो है मैं पेस्ट कर लूँगी. तो ये मैंने कुछ कर्वी लाइंस ड्रॉ कर की हैं, दोनों साइड में ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ऊपर भी और नीचे भी. चारों तरफ से मैंने ड्रॉ कर दी इसको. अब मैं इस पे जो है जूट की जो रोप है उसको जो पेस्ट कर दूंगी.
अब मैंने जो इसमें लॉन्ड्री जो है किस तरीके से कर करके जो है राइट कर दिया है, पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अब इससे पतली एक जो डुअल स्ट्रिंग वाली जूट की रोप होती है उसकी हेल्प से मैं जो है इसको जो है लिखूंगी। आप इसको पेंट भी कर सकते हैं लेकिन मैं प्रीफर करूंगी कि इसको जूट की रोप से ही बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। अब इसकी जो एक अपोजिट साइड है उसमें मैंने कुछ इस तरीके से स्टार ड्रॉ कर लिया है ताकि अगर हम लॉन्ड्री ना रखें, कुछ टॉयज या कुछ और इसमें रखें तो वो साइड हम फ्रंट पे करके रख सकें। और उसको मैं पेंट कर रही हूँ थोड़ा सा कलर देने के लिए इसको। और फिर मैंने जो है रोप ली है 75 सेंटीमीटर लंबी, उसकी 3 स्ट्रिंग्स ले ली है मैंने और उसको ऊपर से नॉट करके प्लेट्स बना लेंगे। इसको मैं बना रही हूँ हैंडल बनाने के लिए और फिर इसको जो है दोनों साइड के हैंडल में जो हम गैप दे करके ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर देंगे और ये इसका हैंडल बन करके बास्केट का तैयार हो जाएगा। और बास्केट के अंदर जो है कोई भी पुराना कपड़ा हो उसको स्टिच करके, जैसे बाहर का स्टिच किया था वैसे अंदर का स्टिच करके उसको ऊपर की साइड में फिक्स करके हम लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारी रोप बन गई है और ये बास्केट बन करके रेडी हो गई है और ये बहुत अच्छी लग रही है, यू कैन सी। तो इसमें जो है कपड़े बच्चों के डाल सकते हैं या बड़ों के डाल सकते हैं, जिसके लिए भी यूज़ करना, बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ है ये। और मैंने अंदर की साइड में एक पुराना कपड़ा था वाइट कलर का, वो ऐसे ही लगा दिया है और इसमें 25-30 क्लोज आराम से आ जाएंगे। वहीं मेरी बच्ची है वो थम्स अप कर रही है, उसको बहुत पसंद आई है ये। ये कपड़ों के यूज़ हो गया। दूसरा जो यूज़ इसको हम कर सकते हैं चार्ट पेपर रखने के लिए, बहुत सारे चार्ट पेपर होते हैं इधर उधर क्लटर फैलाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और बच्चों के जो टॉयज जैसे कि बैट, हॉकी या बैडमिंटन जो लंबे होते हैं उनको भी हम रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम मैगजीन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।